स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है सून वो कांग। सो ब्लैक विथ वुकोंग के रिलीज के साथ ही हम लोग को सिन वुकोंग का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला। यस गाइस, अभी तक हम लोग वुकोंग को सिर्फ माइथोलॉजी और मूवीज में देखते हुए आ रहे थे, बट इस गेम के साथ ही हम लोग को फाइनली उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एक गेम के अंदर देखने का मौका मिला। एंड ये गेम अपने रिलीज के साथ ही सिन वुकोंग को बना चुका है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेमिंग कैरेक्टर एवर। बट क्या ये इतना पावरफुल है कि अपने लूसिफर मॉर्निंग स्टार को डिफीट कर सके? यस गाइस, लूसिफर मॉर्निंग स्टार फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स। वेल, ये दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं एंड इनका जो कंपैरिजन है वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। And with that said, let's start this video. सबसे पहले अगर मैं लूसिफर मॉर्निंग स्टार की बात करूं, so ये जो लूसिफर है, ये DC कॉमिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है। DC यूनिवर्स का जो लूसिफर है, उसकी इंस्पिरेशन वेरियस माइथोलॉजिकल सोर्सेज से ली गई है। उसको एक फॉलन एंजल या फिर फॉर्मर रूलर ऑफ हेल बताया जाता है इन द कॉमिक्स, जिसके पास इमेंस कॉस्मिक और सुपर नेचुरल पावर्स है। सबसे पहली चीज, उसके पास इमोर्टैलिटी और इनवल्नरेबिलिटी है। अब लूसिफर वर्चुअली इमोर्टल और नियरली इनवल्नरेबल है। DC यूनिवर्स में वो टाइम से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जब समय नहीं था तब भी लूसिफर था, और वो इंड्योर कर सकता है किसी भी टाइप के डैमेज को। उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन है, वो अपने विल के हिसाब से रियलिटी को बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। वो फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस को भी ऑल्टर कर सकता है अपने हिसाब से और बेंड कर सकता है उन रूल्स को जो कि फिजिक्स और मैजिक को कंट्रोल करते हैं। वो ओमनी साइंस है, यानी कि DC यूनिवर्स में कहीं कहीं उसको बताया गया है कि उसके पास वास्ट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है पूरे यूनिवर्स की। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी है। अब ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि लूसिफर में ज्यादा शोकेस नहीं की गई है। लूसिफर की स्ट्रेंथ और एजिलिटी को बहुत ही कम दिखाया गया है यूनिवर्स में, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रांग नहीं है, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग और एजाइल है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, यानी कि उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कॉस्मिक एंड मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसके कारण वो इंटरैक्ट कर सकता है यूनिवर्स के फंडामेंटल लेवल को। यानी कि लूसिफर वो सब देख सकता है जो कि कोई भी बीइंग अपनी नेकेड आईज से देख ही नहीं सकता। एंड अब अगर बात करूं ब्लैक विथ वुकोंग की, तो उसके बारे में आप बहुत सारी एबिलिटीज तो जानते ही होंगे, जैसे कि उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी, यानी कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी पजेस करता है। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फीट्स दैट आर फार बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। उसने मिल्की वे गैलेक्सी को लिफ्ट किया है। उसके पास शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटीज है, यानी कि वो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। वो टोटल 72,000 फॉर्म्स ले सकता है, एंड उसके जो 72,000 फॉर्म्स है वो 7 टाइम्स इमॉर्टल है, यानी कि उसका एक एक फॉर्म 7 टाइम्स इमॉर्टल है। उसके पास फ्लाइट यानी कि उड़ने की एबिलिटीज भी है, वो मॉडल तो है ही, और उसके पास एक मैजिकल स्टाफ है जिसको हम लोग कहते हैं रुई जिंगु बांग, जो कि एक इनक्रेडिबली पावरफुल वेपन है। वो अपने वेपन का शेप शिफ्ट कर सकता है, उसका वेपन किसी भी टाइप का फॉर्म ले सकता है, एंड उसके वेपन्स के बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव फीट्स भी हैं। उसके पास बहुत ही डीप कॉम्बैट स्किल्स भी हैं, यानी कि सन वुकोंग एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। तो अगर मैं एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं लूसिफर की बात करूं, तो स्ट्रेंथ में लूसिफर के पास आएगा कि वो मैनिपुलेट कर सकता है कॉस्मिक अवेयरनेस को, जिसके कारण उसको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाएगा इन ऑल्टरिंग द नेचर ऑफ द बैटल। वो पोटेंशियली रीशेप कर सकता है एनवायरनमेंट को और नेचर को, जिसके कारण सन वुकोंग के खिलाफ उसको बहुत हेल्प होगी। एंड यही अगर मैं उसके वीकनेस की बात करूं, तो उसकी जो सर्टेन कॉस्मिक और मेटाफिजिकल रूल्स हैं, ये बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं, डिपेंड करेंगे किस एरिया में और किस रियलिटी में फाइट हो रही है। अगर मैं ब्लैक विथ वुकोंग की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो उसकी फिजिकल पावर्स, उसकी कॉम्बैट स्किल और उसका मैजिकल स्टाफ उसकी बहुत हेल्प करेगा इस फाइट में, और उसके शेप शिफ्टिंग और फ्लाइट की एबिलिटीज भी। एंड अगर उसके वीकनेस की बात करूं, तो अपने नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि सन वुकोंग वाले फॉर्म में, तो वो ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होता है किसी भी फाइट में। लूसिफर की तरह कॉस्मिक रियलिटी को बेंड नहीं करता है। बट गाइस, यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट। जो सन वुकोंग का ब्लैक मिथ वुकोंग वाला फॉर्म है, उसमें जाने के बाद तो वो ट्रूली ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंट और रियलिटी को बेंड करने वाला बींग बन जाता है, यानी कि एक सेंट बुद्धा का, और यू कैन से द फाइटिंग बुद्धा हिमसेल्फ। बट ये तो उसका बहुत पावरफुल फॉर्म है, एंड इस फॉर्म में वो बेशक लूसिफर को डिफीट कर देगा। बट गाइस, यहाँ पे अगर मैं उसके उस फॉर्म की बात करूं जो हम लोग को गेम में दिखाया गया है, तो उस फॉर्म में लूसिफर उससे बहुत पावरफुल है, एंड इन द एंड लूसिफर डिफीट कर देगा सन वुकोंग को। बट गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड टिल देन, मैं आपसे मिलूंगा अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।